चलिए यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी यहाँ पर वोट डालने पहुंची हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उनके साथ राहुल गांधी भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पोलिंग स्टेशन पर पहुंचने की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। देखिए मतदान करके निकल रहे हैं, बैठ जाइए। देखिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी, बैठो 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 प्लीज, बैठो 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 नीचे। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्लीज बैठो बैठो प्लीज। सोनिया गांधी और राहुल गांधी मतदान करके निकल गए हैं। देखिए राहुल गांधी सेल्फी ले रहे हैं अपनी माँ के साथ, राहुल गांधी सेल्फी ले रहे हैं। शोभना आप ये तस्वीर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी, देखिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी निकल गए हैं पोलिंग करके, वोटिंग करके। सोनिया गांधी गाड़ी में बैठ रही हैं, राहुल गांधी दूसरी साइड से आ रहे हैं। हालांकि बात नहीं करेंगे राहुल गांधी, क्या बोलेंगे राहुल गांधी, निशान लगाया है और चले गए हैं। और राहुल गांधी वोटिंग करने के बाद जब निकले हैं तो राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ एक सेल्फी खिंचवाई है उन्होंने वोटिंग के बाद। सेल्फी खिंचवाने के बाद राहुल गांधी आए हैं और ये देखिए गाड़ी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी मतदान कर निर्माण भवन पोलिंग बूथ से जा रहे हैं। जैसा कि रविंदर कह रहे थे, आज सबसे ज़्यादा वीआईपी जो होता है वोटर होता है, तो हर वीआईपी वोटर है और वोटर वीआईपी है आज कह सकते हैं आप। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, दिल्ली की तस्वीरें, निर्माण विहार में उनका पोलिंग बूथ और जहां पर उन्होंने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। मीडिया से कोई बातचीत नहीं की है। सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी ने सेल्फी ली और वहां से निकल गए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें, जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे। वोट कास्ट करने के बाद राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी के साथ सेल्फी लिए। ये मताधिकार का इस्तेमाल राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने भी यहां पर किया है, चूंकि दिल्ली की सातों सीटों पर इस बार एक इस फेज में वोटिंग चल रही है और इस बार मुकाबला दरअसल बीजेपी के लिए बेहद टफ कहा जा रहा है, क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। ये चंद सेकंड पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब राहुल गांधी से मीडिया कर्मियों ने बातचीत करने की कोशिश की, हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और कार में बैठे और मां सोनिया गांधी के साथ वहां से रवाना हो गए। ये चंद सेकंड पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज वीवीआईपी की जो तमाम तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है, चूंकि दिल्ली की सभी सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। तो दिल्ली में जिनके वोट हैं उनकी लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। सुबह से हमने आपको तस्वीरें दिखानी शुरू की। सबसे पहले एस जयशंकर की तस्वीर सामने आई, फर्स्ट वोटर थे वो अपने पोलिंग स्टेशन पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वोट डाल दिया है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वोट डाला है, हरदीप सिंह पुरी की तस्वीरें सामने आई, मनोज तिवारी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, बांसुरी स्वराज जो कि न्यू दिल्ली सीट से बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने वोट डाला, उसकी तस्वीर दिखाई। और राहुल गांधी यहां पर वोट का निशान दिखाते हुए मुस्कुराते हुए और फिर कार में बैठे और यहां से वो रवाना हो गए हैं। तो आज देश की 58 सीटों पर वोटिंग चल रही है, कुछ देर के बाद वोटिंग प्रतिशत के बारे में जानकारी मिल जाएगी, सुबह 9 बजे तक का आंकड़ा आ जाएगा और